हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने विंडोज मशीन में मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप काली लिनक्स में मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क चला सकते हैं, वैसे ही आप अपने विंडोज मशीन में भी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क चला सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो में दिखाए गए सारे स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको मेटास्प्लॉइट को डाउनलोड करने के लिए ये लिंक आपको अपने ब्राउज़र में ओपन करना होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस लिंक को कॉपी कीजिए और अपने ब्राउज़र में ओपन कीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पे आपको एक विंडोज नाम का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट विंडोज इंस्टॉलर नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड कंप्लीट होने तक थोड़ा सा वेट कीजिए। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक जरूरी काम करना होगा, और ये काम है कि आपको अपना एंटीवायरस डिसेबल करना होगा। ये इसलिए कि अगर आप एंटीवायरस को ऑन रख के इंस्टॉलेशन करते हो तो एंटीवायरस आपके मेटास्प्लॉइट की कुछ फाइलें डिलीट कर सकता है, और इस वजह से शायद फ्यूचर में आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क काम ही ना करो। तो इंस्टॉलेशन से पहले एंटीवायरस को डिसेबल करना ना भूले, चाहे वो आपका विंडोज डिफेंडर ही क्यों ना हो। तो इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करते हैं, और जो हमने थोड़ी देर पहले जो फाइल डाउनलोड की थी इसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एग्री पे साइन पे आप क्लिक करना है, और उसके बाद नेक्स्ट करना है आपको, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन दिखा है उस पर क्लिक करना है। अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तब तक थोड़ी देर के लिए वेट कर दें। तो ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है और हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी आती है इसे हमें रन कैसे करना है। तो रन करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे CMD टाइप करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे CMD टाइप करके सर्च करना है, तो आपको CMD मिल जाएगा। और यहाँ पे एक दूसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड पे विंडोज की प्लस R को एक साथ दबाना है तो आपको रन का एक पॉपअप बॉक्स मिल जाएगा, उसमें आप CMD टाइप करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो मेटास्प्लॉइट को रन करने के लिए हमें कमांड लगाना होगा msfconsole.bat, और आप उसे एंटर कीजिए। तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर लेता हूँ। तो हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप अब मेटास्प्लॉइट को अपने विंडोज मशीन पे आसानी से चला सकते हो। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूले, और साथ ही साथ बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूले। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।